हेलो एवरीवन, DSSSB में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आई हुई हैं उनका एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुका है। तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं कि किस एग्जाम का डेट कब पड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम कैलेंडर को मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे दिया हुआ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और हम वन बाई वन देख लेते हैं किस एग्जाम का डेट कब तक है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसके बेस पे जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था LDC स्टूडेंट जो रिसेंट के रिक्रूटमेंट आए हुए हैं उनका एग्जाम कब है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए वन बाई वन करके हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी DSSSB 2023 में, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखो सबसे पहले 2/2023, 1/2023, 2/2023, 1/2023 जितने भी एग्जाम है उसका सबका कैलेंडर वन बाय वन करके जारी किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 6 तारीख से जो 6 फरवरी उससे एग्जाम यहाँ पे जारी है, और किसका है, किस पोस्ट का एग्जाम हो रहा है ये, तो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का हो रहा है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का हो रहा है, फिर से लेबोरेटरी असिस्टेंट का है अलग अलग डिपार्टमेंट में, और जूनियर PA का है। तो जो ये पुरानी वैकेंसी 2023 में निकाली गई थी 2/2023 या 1/2023 उन्हीं का ये कैलेंडर जारी हुआ है। और आगे भी देखते जाते हैं हम किनका किनका कैलेंडर है। फिर 8 को आपका एग्जाम है सेम ही चीज़ का, जो वर्कशॉप वाले हैं उनका आ गया है, पब्लिसिटी असिस्टेंट है आपका, इलेक्ट्रीशियन है, फिर से आपका सर्विलेंस वर्कर है। तो आप यहाँ वन बाई वन करके देखते हो 12 को एग्जाम है आपका, 13 को है, 14 को है, 15 को है, 16 को है, 17 को है, 18 को है। फ्रेंड्स, तो 18 तारीख तक के जितने भी एग्जाम कराने हैं DSSSB के द्वारा वो यहाँ पे इस वाले कैलेंडर में मेंशन कर दिया गया है। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था फ्रेंड्स कि जो भी 2/2023 वाली वैकेंसी है या 1/2023 वाली वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी इस वाले फरवरी मंथ में कराई जाएगी, इसलिए LDC स्टेनो या जो भी अभी रिसेंट में जो आई हुई है पोस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए उनका वैकेंसी फ्रेंड्स अभी इस मंथ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अगले मंथ में भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ये 2/2023 है, 3/2023 है, उसके बाद से 4/2023 आएगा, फिर आपका जो भी आई थिंक जो रिसेंट में LDC का आया है वो 5/2023 वाले रिक्रूटमेंट है, तो वो सबसे लास्ट में कराए जाएंगे। तो मार्च अप्रैल में कुल पॉसिबल ही नहीं है, और इलेक्शन भी है तो इलेक्शन में तो और पॉसिबल नहीं है। तो आप, मैंने जो भी एक्सपेक्टेड डेट एक्सपेक्टेड मंथ बताया था उस वही 100% श्योर है, वही आप लेकर चलो कि मई में ही, जो मिड मई है, मिड मई के आसपास ही आपका एग्जाम उसमें होगा या जून के आसपास का एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है LDC स्टेनो को तैयारी करने के लिए या जूनियर असिस्टेंट के लिए या जो भी रिसेंट में आई हैं, अच्छे से उसकी तैयारी करो। अब कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम डेट पहले न पड़ जाए, बहुत ही अच्छे से तैयारी करो। कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है, मैंने ITI लगा दिया है, जब भी आती है आपकी ITI की रिप्लाई तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा कितने टोटल फॉर्म भरे गए पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहना, और कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का पोस्ट था, सबके लिए ओपन था, केवल OBC और जनरल के लिए दिल्ली का उसमें मान्य था, और ये SC ST मतलब सबके लिए ओपन था। तो ये सेंट्रल लेवल का तो बहुत सारे फॉर्म आए होंगे और बहुत सारी कॉम्पिटिशन होगी, खास करके SC ST में बहुत कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखो और अभी से तैयारी अच्छे से अच्छे लेवल पर शुरू कर दो ताकि आपको फाइनल एक सीट मिल जाए। थैंक यू।